हेलो गाइस, मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं एके टेक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं या फिर अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से एक सिंपल फ़ोटो एडिटर या फिर आप कह सकते हैं कैमरा ऐप की मदद से। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बेस्ट एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। अगर आप अपने फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं या फिर अपने बैकग्राउंड को क्रिएटिवली एडिट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन, इसे आप प्ले स्टोर से बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस अपने प्ले स्टोर पे जाना है और ऊपर सर्च बार में टाइप करना है फैबी, FABBY फैबी आपको टाइप करना है। आप जैसे ही फैबी टाइप करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट एप्लीकेशन आएगी वही इसकी रियल एप्लीकेशन है, तो आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप जैसे ऊपर फैबी टाइप करेंगे तो आपको सीधे वो एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो आपको उसे डाउनलोड कर देना है और आपको सब परमिशन अलाउ कर देना है। जैसे आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा, यानी फिर आप अपने फ़ोटोज़ डायरेक्टली उससे लेकर या फिर आप गैलरी से भी चूज़ कर एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गैलरी से चूज़ कर लेता हूँ एक फ़ोटो, कोई भी आप फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। फिर उसे क्रॉप करने के बाद आप उसका बैकग्राउंड ब्लर या फिर आप जैसे मन चाहे एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, तो आपको ऐसे यहाँ पर एक क्रॉप कर देना है फ़ोटो, ऊपर आपको क्रॉप पे क्लिक करके क्रॉप कर देना है। फिर उसके बाद ये ऐप थोड़ा देर प्रोसेस करेगा उस फ़ोटो को, जिसके बाद आप अपने फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़े देर रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। ये काफ़ी एक्यूरेट ऐप है दोस्तों, आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड जैसा इफेक्ट तो ज़्यादा नहीं आएगा, पर आपको ये काफ़ी एक्यूरेटली ब्लर करके देता है बैकग्राउंड या फिर चेंज करके देता है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है नीचे ब्लर के, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर रैंडमली कोई भी एक बैकग्राउंड चाहिए तो आप आई एम लकी पे क्लिक करके आप रैंडमली कोई भी आपको बैकग्राउंड आपके फ़ोटो पे सेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक्यूरेट ऐप है। तो दोस्तों, ये ऐप काफ़ी एक्यूरेटली आपके फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को चेंज करता है, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी यूनिक और बहुत सारे यहाँ पर आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को और भी अच्छा दिखाने के लिए। और आपको नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि उनमें ब्यूटी ऑप्शन है तो इसमें कुछ ऐसे आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे, और उसके नीचे आपको कस्टम ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें कि आप अपने की गैलरी से कोई भी फ़ोटो लेकर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं उसे। तो अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, आप इस ऐप से काफ़ी अच्छे से फ़ोटो अपने एडिट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ और देखिए दोस्तों की फ़ोटो कितनी ऑसम लग रही है एडिट करने के। तो दोस्तों, इसी तरह से आप काफ़ी क्रिएटिवली अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं इन ऑप्शन का यूज़ करके फैबी ऐप में। तो आप इस ऐप को जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ोटोज़ को एडिट कीजिए, ब्लर कीजिए बैकग्राउंड को, जो मर्जी आए आप कीजिए अपने फ़ोटोज़ के, आपकी फ़ोटो यार कुछ भी करो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करना ना भूलिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर से उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर चलाते हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाइए वहाँ हमें फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी आपको रेगुलर टेक से रिलेटेड न्यूज़ देते रहते हैं। तो दोस्तों, Till then, keep scrolling your device. Bye-bye. Tell me pretty lies. Look me in the face.